स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान सर्कल पीएएसए क्वेश्चन पेपर 2020 का। जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी लगभग 40 क्वेश्चन पेपर्स की जो आपके प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। और आपको भी पता है ये क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कितने करने आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स जीके के ही क्यों ना हो वो भी रिपीट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर्स करने बहुत ज़रूरी हैं और आपको इनकी पीडीएफ मिल सकती है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ में रेगुलर क्लासेज में आपको हर एक टॉपिक की हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ में डेली आपका एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स जीके और रीजनिंग आपको करवाया जाएगा, आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ में आपके जो इसके मैथमेटिक्स और जीके रीजनिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलने के बाद मैं ऑप्शंस भी साथ में बोलूंगा, तो आप अपने आंसर्स खुद दे सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कहाँ पे आपकी कमी है। तो चलिए आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, बट इज़ मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ स्पीड पोस्ट लेटर्स एंड पार्सल्स इन इंडिया। भारत में स्पीड पोस्ट पत्रों या फिर पार्सल की अधिकतम भार सीमा क्या है? ऑप्शन है आपके पास 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 35 या फिर 25 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास पार्सल की बात की गई होती, सिंपल पूछा गया होता कि व्हाट इज़ मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ पार्सल, तब क्या होता आपके पास? 20 किलोग्राम, क्योंकि पार्सल तो हम 20 किलोग्राम तक भेज सकते हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट पार्सल अगर हम भेजें, ठीक है, स्पीड पोस्ट लेटर या फिर स्पीड पोस्ट पार्सल अगर हम भेजें तो मैक्सिमम कितने किलोग्राम तक भेज सकते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35 किलोग्राम। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल लेख, चाहे वो आपका पत्र है चाहे वो पार्सल है, 35 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। वट इज डायमेंशंस ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है कि जो मुद्रित पोस्ट कार्ड होता है उसका आयाम क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 14x9 सेंटीमीटर, 15x9 सेंटीमीटर, 11x9 सेंटीमीटर या फिर 14x10 सेंटीमीटर। तो कुछ मेरी तरह भी होते हैं जिनको यहाँ पे अगर एक मैं लिख दूँ 140mm x90mm, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या ये भी पढ़ा हुआ है या इसका क्या मतलब है। तो देखिए 14cm x9cm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 140mm का भी वही मतलब है, 1 सेंटीमीटर में आपके 10mm होते हैं, तो 14 में कितने 140mm और 9 में 90mm, तो 140mm x90mm भी यहाँ पे हो सकता था, तो वो करेक्ट हो जाती। बट इज़ प्रेस्क्राइब्ड चार्ज फॉर अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट इन ईएमओ। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में पते या भुगतान के स्थान में परिवर्तन करने के लिए निर्धारित शुल्क क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो होता है इसके ऊपर दो चीज़ें आपकी आती हैं। सबसे पहले अगर उसके ऊपर जो एड्रेस आपने लिखा हुआ है वो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए कितना आपसे कमीशन लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप पेई का नाम उसमें चेंज करना चाहते हैं, पेई कौन होता है? जो उस मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता होगा, जिसको वो मनी ऑर्डर वितरित किया आएगा वो होगा उसका पे। अब अगर आप उसका पे ही का नाम चेंज करना चाहते हैं तब क्या आपसे कमीशन लिया जाएगा? तो यहां पे हमारे पास क्या पूछा गया है, सिर्फ पते में परिवर्तन करना है, पे ही का नाम चेंज नहीं करना है, तब कितने चार्जेस लिए जाएंगे? ₹5 ओनली विदाउट एडिशनल चार्ज, बिना किसी शुल्क के यह काम किया जाएगा। सिंगल कमीशन पेएबल ऑन ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पर एकल कमीशन आपसे लिया जाएगा। डबल कमीशन ऑफ नॉर्मल ईएमओ, सामान्य ईएमओ का दोहरा कमीशन आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास भी विदाउट एडिशनल चार्ज, और अगर आपको एड्रेस ही जो है प्राप्तकर्ता जो है उसके नाम में परिवर्तन करना था तब आपको कमीशन देना पड़ता है जितना आपने पहले दिया है। बट इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिमिटांस एट अ टाइम फॉर पर्सनल यूज़ थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस IMTS, इसके तहत आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बार में प्रेषण की अधिकतम सीमा कितनी प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने रुपये प्राप्त कर सकते हैं? $1,000, $1,500, $3,000 या फिर $2,500? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आएगा आपके पास डी, $2,500 आप एक बार में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ₹50,000 तक की राशि, यानी कि 50,000 से कम की जो राशि है वो आपको बाई कैश मिल सकती है, इससे ज़्यादा की राशि होगी तो आपको चेक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ईयरली इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। लोक भविष्य निधि योजना में अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, 250 रुपीज़, 1,000, 1 लाख, 50,000 या फिर 1 लाख। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास सी,
1,50,000, 1.5 लाख रुपए आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। SSA के लिए भी ये सेम लिमिट है, 1.5 लाख रुपए आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। बट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल फॉर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम अकाउंट इफ क्लोज्ड प्री मैच्योरली आफ्टर 4 ईयर्स। आवर्ती जमा खाता जो होता है आपका, RD अकाउंट जो होता है, उसमें आपको कितनी ब्याज दर मिलेगी यदि 4 साल के बाद समय से पहले मतलब कि प्री मैच्योर। अब RD का जो अकाउंट पीरियड होता है मैच्योरिटी का, वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन आप यहाँ पे उसको 5 वर्ष से पहले 4 वर्ष तक बंद करवा रहे हैं उसको, तब आपसे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेएबल, आवर्ती जमा ब्याज आपको मिलेगा, यानी कि जो इस खाते के ऊपर ब्याज लगना था सेम आपको वही मिलेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज पेएबल, बचत बैंक ब्याज आपको मिलेगा। टाइम डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट इज पेएबल, या फिर आपको TD जो होता है आपका सावधि जमा खाता जो होता है उसके ऊपर जो ब्याज है वो आपको मिलेगा। या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इंटरेस्ट इज पेएबल, लोक भविष्य निधि खाता जो होता है उसके ऊपर हिसाब से आपको इसमें ब्याज मिलेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको बचत बैंक वाला ब्याज मिलेगा जो आपको सेविंग के ऊपर मिलता है 4% के हिसाब से इस टाइम। बाकी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे ऊपर कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग के ऊपर, तो उसी हिसाब से आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। आप RD का अकाउंट 5 साल पूरे होने से 1 दिन पहले भी अगर बंद करते हैं तब भी आपको सेम सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। बट इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मंथली इनकम स्कीम MIS अकाउंट, मासिक आय योजना खाते की परिपक्वता अवधि क्या है, कभी ये पूछा जाता है। मिनिमम आप इसको कितने के अमाउंट से खोल सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कौन कौन इसको खुलवा सकता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड इसका पूछा गया है 5 वर्ष 6 वर्ष, 5 वर्ष 6 महीने यानी कि 5.5 वर्ष या फिर 6.5 वर्ष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ए, 5 वर्ष इसकी परिपक्वता अवधि है, मैच्योरिटी पीरियड है। बट इज पीरियडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स इन 10 ईयर्स RPLI। अब जो आपकी 10 वर्षीय RPLI होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्राम प्रिया उसको कहा जाता है। तो हमें बताना है कि जो आपकी ग्राम प्रिया पॉलिसी है उसमें क्या मिलता है, आपको पीरियोडिकली रिटर्न्स मिलती हैं, समय समय पर आपको पैसे वापस मिलते हैं। तो हमें बताना है कि कब कब वो पैसे वापस मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया 3 वर्ष के बाद, उसके बाद आपको 7 वर्ष के बाद मिलेंगे, और उसके बाद 10 वर्ष के बाद आपका जो भी बोनस होगा उसके साथ मिलेंगे, या फिर आपको 4 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के बाद मिलेंगे, 5 वर्ष में आपको पहली बार मिलेंगे, उसके बाद 8 वर्ष के ऊपर मिलेंगे और 10 वर्ष पूरे होने के बाद मिलेंगे, या फिर 3 वर्ष पूरे होने के बाद, उसके बाद 6 वर्ष या फिर 9 वर्ष पूरे होने के बाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास भी, 4 वर्ष पूरे होने के बाद पहली बार आपको उसकी पीरियडिसिटी मिलेगी, रिटर्न मिलेगी, उसके बाद 7 साल पूरे होने के बाद, उसके बाद जो भी आपका बोनस होगा और आपका जो अमाउंट होगा वो आपको 10 वर्ष पूरे होने के बाद मिलेगा। दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड विद, दीनदयाल स्पर्श योजना जो है किससे संबंधित है, प्रमोशन ऑफ IPPV, प्रमोशन ऑफ सेविंग बैंकिंग, प्रमोशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, या फिर प्रमोशन ऑफ स्टैम्प्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा आपके पास डी, प्रमोशन ऑफ स्टैम्प्स, जो डाक टिकट होते हैं उनकी प्रमोशन करना दीनदयाल स्पर्श योजना से संबंधित है। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप पढ़ के जाना, ये पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है। बट इज द चार्ज कलेक्टेड फॉर न्यू आधार एनरोलमेंट इन पोस्ट ऑफिसेज, डाक घरों में नए आधार नामांकन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में 2 चीज़ें होती हैं आधार कार्ड के लिए, एक होता है आपका आधार एनरोलमेंट, दूसरा होता है आधार अपडेट। दोनों में क्या फ़र्क है वो पढ़ लेना, लेकिन दोनों के लिए चार्जेस क्या क्या हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले 100 रुपीज़ लिए जाएंगे, 50 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, 100 रुपीज़ प्लस GST, 100 रुपये प्लस GST आपको दी जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया होगा आपके पास सी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे आधार एनरोलमेंट जो होता है, आधार नामांकन अगर आप करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो कोई उसके लिए चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप आधार अपडेट करवाते हैं 50 रुपीज़ जो है इसके चार्जेस लिए जाएंगे, दोनों आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आपकी मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाई मेल PAN, मेल लिस्ट को मेल सहायक द्वारा कितनी प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, क्वाड्रिप्लीकेट या फिर सिंपल कॉपी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास भी, डुप्लीकेट में इसको तैयार किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपकी करेक्ट हो जाएगी। डू NPOS प्रिपेयर डेली अकाउंट ऑफ संडे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, NPOS क्या होता है, नाइट पोस्ट ऑफिसेज, क्या आपके रात्रि कालीन डाकघर जो है दैनिक खाता जो होता है उनका डेली अकाउंट जो होता है उनको तैयार करते हैं, येस नो ओकेजनली, ठीक है, कभी किसी किसी मौके पर, हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन रूल, नियमों में प्रदान नहीं किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपके पास ये, बिल्कुल वो अपना डेली अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद SB ऑर्डर है, इसको हम छोड़ रहे हैं, आपको 2021 वाले करने हैं।
व्हाट प्री रिक्वेसाइट्स फॉर अवेलिंग डीओपी मोबाइल बैंकिंग सर्विस, डीओपी मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कस्टमर शुड प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी, ग्राहक को एक मान्य ईमेल आईडी प्रदान करनी पड़ेगी। कस्टमर शुड प्रोवाइड अ वैलिड पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना, कस्टमर को एक वैलिड पैन नंबर देना पड़ेगा। कस्टमर शुड प्रोवाइड अ वैलिड यूनिक मोबाइल, और उसको क्या करना पड़ेगा, एक वैध अद्वितीय मोबाइल प्रदान करना पड़ेगा, फोन नंबर जो है वो देना पड़ेगा। ऑल दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपकी वाजडी, ये सारे ही सही हैं, ठीक है। अगर कोई भी बैंकिंग की सुविधा लेना चाहता है, डीओपी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लेना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। बट इस प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्कैंड इमेजेस ऑफ ई के वाई सी फोरम्स एट सीपीसी CVS, तो CPC CVS पर KYC प्रपत्रों की स्कैन की गई छवियों की संरक्षण अवधि क्या है। ऑप्शन आपके पास 2 ईयर आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, 1 ईयर आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, 3 ईयर्स आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, 5 ईयर्स आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा आपके पास 3 ईयर्स आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, स्कैनिंग और अपलोड करने के 3 साल तक इनको संरक्षित रखा जाएगा। अ सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड बी एबल टू रीडली रिपीट और राइट डाउन फ्रॉम मेमोरी, एक छंटाई सहायक को अपनी याददाश्त के आधार पर दोहराने या लिखने से मैं आसानी से सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, किस चीज़ में वो सक्षम होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को दोहराने में या लिखने में सक्षम होगा वो। लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिसेज, भारतीय डाकघरों की सूची, सॉर्टिंग लिस्ट जो छंटाई सूची होती है। पिन कोड ऑफ ऑल पिन सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, भारत में सभी पिन सॉर्टिंग जिलों की पिन कोड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 16th का, ये होगा आपके पास डी, इस सारी चीज़ों की जो यहाँ पे बोली गई हैं वो इसको अच्छे से उसकी याददाश्त में होनी चाहिए, वो इनमें सक्षम होना चाहिए कि वो यह काम कर सके, उसको सोचना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ी, फुल नेम ऑफ MPC है, MPC का पूरा नाम क्या है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सर्कल, एनुअल मेल प्रोसेसिंग कार्ड या फिर एनुअल मेलिंग प्रोसेस क्लास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, स्वचालित मेल प्रसंस्करण केंद्र इसको कहा जाता है MPC को। लेटर सॉर्टिंग मशीन सॉर्ट अवार्ड कोडेड मेल्स एट विद स्पीड, लेटर सॉर्टिंग मशीन जो होती है LSM इसको कहा जाता है, MMX होती है आपकी मिक्स्ड मेल सॉर्टर होती है, ठीक है, MMS जिसको कहा जाता है, और LSM कौन सी हो जाएगी, लेटर सॉर्टिंग मशीन जो होती है। तो वार कोडेड मेल को किस गति से इनकी छंटाई करती है, 30,000 आर्टिकल्स और मोर पर आवर, 30,000 आर्टिकल्स और मोर पर वीक, या फिर 3 लाख आर्टिकल्स और मोर पर मंथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा आपके पास 30,000 और मोर आर्टिकल्स पर आवर, 1 घंटे में 30,000 या 30,000 से अधिक आर्टिकल्स की ये छंटाई कर देती है। Which of following deals with foreign articles, निम्न में से कौन सा विदेशी डाक लेखों के साथ डील करता है, उसके साथ संबंधित है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट या फिर सब फॉरन पोस्ट ऑफिस ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ये सारे ही आपके पास विदेशी लेखों से संबंधित है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई इनके साथ काम किया जाता है, चाहे वो ड्यूटी निर्धारण करने का हो या कस्टम करने का या उनको चेक करने का हो, तो ये सारे काम यहीं पे किए जाते हैं। बट इज़ मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग पैम्पलेट्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को भेजे जाने वाले मुद्रित पत्रों जिसमें पैम्पलेट्स आपके भेजे जा रहे हो, अधिकतम वजन सीमा क्या हो सकती है, 2 किलोग्राम, 7, 5 या फिर 20 किलोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास यहाँ पे सी होगा, ठीक है, आपका 5 किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वैन इंश्योरेंस इज कंपल्सरी विद वैन लेटर और पार्सल कंटेंस, बीमा कब अनिवार्य है, जब पत्र पार्सल में क्या हो आपका, बुलियन, प्लैटिनम, प्रीशियस स्टोन, जो ऑल्दी अबव क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी, ये सारी चीज़ें आपके इसमें बुलियंस हैं, प्लैटिनम है, प्रीशियस स्टोन है, इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप भेज रहे हैं तो आपको आर्टिकल को इंश्योर्ड करवा के, बीमित करवा के ही भेजना है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेज आर ट्रीटेड एज, लेटर बॉक्स में पोस्ट की गई फ्रैंक वस्तुओं को क्या माना जाएगा, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, अनपेड उनको माना जाएगा, इनसफिशेंटली पेड माना जाएगा, अनडेटेड माना जाएगा, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, ऐसी डाक वस्तुएं जो फ्रैंकिंग के द्वारा जिनके ऊपर डाक भार का भुगतान किया है और उनको पोस्ट करने के लिए अगर लेटर बॉक्स में डाल दिया है तो ऐसी स्थिति में उनको अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। पोस्टमैन आर फॉरबिडन फ्रॉम, तो जो डाकी होते हैं उनको क्या मना किया जाता है,
डिलीवरिंग आर्टिकल ऑन विच मनी इज ड्यू टू पोस्ट ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसके लिए डाक घर को कोई भी शुल्क जो है वो अभी अदा करना है, यानी कि उसके ऊपर चार्जेस कम दिए हैं, या अनपेड आर्टिकल था वो, उसके लिए क्या होगा, आपके एड्रेसी से वो उसके लिए चार्जेस लिए जाएंगे। तो जब तक एड्रेसी उनके ऊपर चार्जेस नहीं दे देता तब तक वो उनको डिलीवर नहीं करेगा। तो सबसे पहले ऐसे आर्टिकल्स को वो वितरित ना करें जिनके ऊपर कोई भी शुल्क अभी पोस्ट ऑफिस को दे है। डेविएटिंग फ्रॉम देयर वीट, अपनी जो उनकी गश्त है उससे भटकने के लिए यानी कि वो अपनी वीट से डेविएट नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए वो फॉरबिड हैं। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स विदाउट गेटिंग एक्नोलेजमेंट साइंड, उसके बाद है पावती पर हस्ताक्षर किए बिना पंजीकृत पत्र की डिलीवरी। अब देखिए क्या होता है, जब भी आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल वितरित किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक साइन लिए जाते हैं प्राप्तकर्ता के प्रूफ के रूप में कि आर्टिकल उसको वितरित हो चुका है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई कि पावती पर हस्ताक्षर लिए बिना आर्टिकल जो होगा, पंजीकृत पत्र जो होगा, उसका वितरण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी, ये सारी की सारी ऑप्शन सही है। पोस्टमैन को ये सारा काम करने से मना किया जाता है। सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग विच अलोंग विद अ लॉक एंड डुप्लीकेट की इज टू बी सप्लाइड बाई रेंटेड इज अवेलेबल एट, तो यहाँ पे हमारे पास बोला कि डाक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली जो है किराए पर दिए जाने वाले एक बैग में एक ताले और डुप्लीकेट चाबी के साथ उपलब्ध है, उपरोक्त प्रणाली कहाँ पर उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। तो क्या ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो आपका रेंटर होता है, किराएदार होता है, उसको एक आपका बैग दिया जाता है जिसके साथ एक आपकी डुप्लीकेट की होगी और उसके साथ एक ताला लगा के उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, वो कौन सा सिस्टम होता है आपका, पोस्ट बैग वाला सिस्टम है। तो यही पूछा गया है कि पोस्टमैन ये वाली जो प्रणाली है ये कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होगी, कि रेंटर जो भी काम के निर्धारित घंटे होते हैं उनके दौरान पोस्ट ऑफिस में आता है और अपना बैग लेता है, उसके पास डुप्लीकेट की होती है, ताला लगाकर उसको दिया जाता है, वो खोल के अपने आर्टिकल्स निकालेगा। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, पोस्ट बैग वाला। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल होगा। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस सिस्टम वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज अवेलेबल, वितरण डाकघर जहाँ पोस्ट बॉक्स प्रणाली उपलब्ध है जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम भी है। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस सिस्टम वेयर पोस्ट बॉक्स इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर आपका पोस्ट बॉक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहां पर ये हो सकता है। डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज वेदर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज अवेलेबल और नॉट, उसके बाद सभी वितरण डाकघरों में चाहे वहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम हो या ना हो ये चीज मायने नहीं रखती है। नन ऑफ दी अबव, यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रह जाएगा आपके पास जी। तो यहां पे क्या पूछा गया है, क्या कहा जाएगा इसको, वैग अलोंग विद, तो अवेलेबल कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी। ठीक है, आपके जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हैं, आपके वितरण डाकघर जितने भी हैं, चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है या नहीं है उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पोस्ट बैग वाली सुविधा वहाँ पे ले सकते हैं। और एक और चीज़, अब आपके पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा कौन कौन से डाकघरों में उपलब्ध होगी, तो जो भी हेड ऑफ सर्कल द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहीं पर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। बीच ऑफ फॉलिंग आर ट्रीटेड एज पोस्ट रेस्टेंट, निम्न में से किसे न्यस्त डाक के रूप में माना जाएगा, पोस्ट रेस्टेंट के रूप में माना जाएगा। आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड टू बी कैप्ट टिल कॉल्ड फॉर, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आर्टिकल के ऊपर ये सुपरस्क्रिप्शन लिखी गई है कि मांगे जाने तक रखे जाने के लिए, यानी कि जब तक इसका प्राप्तकर्ता खुद मांग नहीं लेता इसको पोस्ट ऑफिस में रखा जाए। आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड टू अवेट अराइवल, आने की प्रतीक्षा की जाए, किसके आने की, आपके पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के प्राप्तकर्ता के आने की प्रतीक्षा की जाए। पोस्ट ऑफिस, अगर आर्टिकल के ऊपर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, ऑल दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके इन सभी आर्टिकल्स को क्या किया जाएगा, पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो डी ऑप्शन जो आपके वास्ते सही हो जाएगी, अगर डाक घर को संबोधित आपका लेख तो इसका मतलब कि वो क्या है, पोस्ट रेस्टेंट है। हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल इज लोकेटेड इन विच सिटी, हरियाणा सर्कल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ऑप्शंस हैं आपके पास चंडीगढ़, अंबाला, कैंट, पंचकुला या फिर गुरुग्राम। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, अंबाला, कैंट भी इसके साथ याद रखना, अकेला अंबाला नहीं है, अंबाला कैंट है। बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट, तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, 2 kg, 4 kg, 5 या फिर 7 kg। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास सी, आपके बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट जो है वो 5 kg हो सकता है। सुजेशन एंड कंप्लेंट्स इज अवेलेबल एट, आपकी यहाँ पे बुक आएगा, ठीक है, सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर उपलब्ध होती है, ऑल पोस्ट ऑफिस सभी डाकघरों में, हेड पोस्ट ऑफिस ओनली, ब्रांच पोस्ट ऑफिस ओनली या फिर सर्कल ऑफिस ओनली। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जितने भी डाकघर होते हैं इंक्लूडिंग आपके बीओ में भी आपकी होती है आपकी सुजेशन और कंप्लेंट बुक, एसओ में भी और हेड ऑफिस में भी ये होती है।
पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन किस में व्यक्तिगत संचार की अनुमति नहीं है, ऑप्शन है लेटर्स, इनलाइन लेटर कार्ड, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स या फिर पार्सल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स। सो इसमें आपकी जो भी रिटर्न आपका या कम्युनिकेशन जो है संचार जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ही आप लेट पार्सल में क्या कर सकते हैं आप एक उसमें भेज सकते हैं जो भी उसका प्राप्त करता है उसके लिए आप एक संचार जो है वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी इन दी केस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू है फॉल्स है या फिर कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है कंपलसरी नहीं है उसका नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ट्रू। आपके पास जितने भी पंजीकृत वस्तुएं होंगी उनके मामले में डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क जो होगा उसके आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है बी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर विदेशी डाक लेख की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट, उसके बाद एयर मेल एंड सी मेल, पैकेट पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट या फिर लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट, ये आपकी कैटेगरीज हैं फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर रेट इन फॉरेन पोस्ट, निम्न में से किसे विदेशी डाक में मुद्रित पत्रों की दर से प्रेषित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन है आपके पास फिल्म्स एंड साउंड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फिल्में ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं भेज सकते हैं, पेपर्स ऑब्टेंड बाई मीन ऑफ अ टाइपराइटर, टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त कागजात, टाइपराइटर जो होते हैं पहले जमाने में होते थे टाइप करके आपके कागज के ऊपर लिखा जाता था, कॉपीज ऑब्टेंड बाई मीनिंग ऑफ स्टैम्प्स या फिर टिकटों के माध्यम से, स्टैम्प्स के माध्यम से अगर कोई भी प्रति है तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑल दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा आएगा आपके पास डी ऑल दी अबव, इन सभी को आप रेट प्रिंटेड पेपर्स के रेट के ऊपर मुद्रित कागजों की जो दर है जो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं उन चार्जेस के ऊपर आप इनको नहीं भेज सकते हैं। बीच ऑफ फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन एलसी, लेटर एट कार्टस आइटम में कौन सी वस्तु आपकी शामिल नहीं है, लेटर्स हैं, कार्ड्स हैं, प्रिंटेड पेपर्स, ऑल दी अबव आर इंक्लूडेड, ये ऊपर दिए हुए सभी इंक्लूड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास सी प्रिंटेड पेपर्स आपके एलसी में नहीं आएंगे। हाउ मैनी मैक्सिमम इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स कैन बी सोल्ड टू वन पर्सन एट एनी टाइम, एक व्यक्ति को किसी भी समय, ठीक है, अधिकतम कितने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन बेचे जा सकते हैं, कितने रिप्लाई कूपन एक व्यक्ति को एक बार में बेचे जा सकते हैं, 5, 10, 15 या फिर 20। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ये आएगा आपके पास बी 10 आपके रिप्लाई कूपन जो है बेचे जा सकते हैं। एक आपके कॉमनवेल्थ कूपन भी होते हैं वो मैक्सिमम कितने 30, एक बार में 30 आप बेच सकते हैं। बट इज एक्सपेंशन ऑफ UPU, UPU का पूरा नाम हमें बताना है, ऑप्शंस क्या है आपके पास यूनिवर्सल पोस्ट यूनिट, उसके बाद है यूनियन पोस्टल यूनिट या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन या फिर यूनिवर्सल पार्सल यूनियन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ये आएगा आपके पास सी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडिकेशन पर एवन डिनोट्स, संकेत जो पर एवन है इसका क्या मतलब है, बाई एयरमेल एडवाइस ऑफ चेंजेस ऑफ एड्रेस या एडवाइस ऑफ डिलीवरी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पते में आपका हो जाएगा हवाई डाक द्वारा, ठीक है, जब भी आपका कोई संकेत लिखा हुआ है पर एवन तो उसका क्या मतलब होगा हवाई डाक द्वारा इसको प्रेषित किया जाना है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, कब उसकी स्थापना हुई, ऑप्शन आपके पास 1965, 1961, 1973 या फिर 1961। तो यहाँ पे 51 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है, 73 या फिर 1995। तो देखिए जो आपका APPU है इसकी स्थापना हुई आपके पास 1961 में, और दूसरी बात भारत इसमें कब ज्वाइन हुआ, 1973 में ज्वाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एन एरोग्राम नॉट कन्फॉर्मिंग टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस इज ट्रीटेड एज, एक एरोग्राम जो निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है, आप देखिए कोई भी आप एरोग्राम भेजते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है तो आपके एरोग्राम को किस तरह से ट्रीट किया, उसको लेटर माना जाएगा, लेटर कार्ड माना जाएगा, पोस्ट कार्ड या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, उसको लेटर माना जाएगा, पत्र माना जाएगा और उसी हिसाब से आपसे उसके ऊपर चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे। वेयर अ पार्सल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन इज टोटली डैमेज्ड, बीच ऑफ फॉलोइंग इज रिफंडेड, जहाँ एक पार्सल जो है, ठीक है, और पार्सल कौन सा बोला गया फॉरेन पोस्ट के बारे में, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, निम्न में से आपको कौन से डाक शुल्क जो है वो वापस मिलेंगे, इंश्योरेंस फीस, पोस्टल चार्जेस, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास वी, ठीक है, आपको पोस्टल चार्जेस जो आपके वापस मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मार्क द इनकरेक्ट गलत, हमें यहाँ पे बताना है CVS सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन होगा। NI का नेटवर्क इंटीग्रेटर बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म्स याद कर लेना बार बार पूछी जाती है। CM का चेंज मैनेजमेंट, RICT का होता है रूरल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपकी ये भी सही है ये और ये भी सही है, ये वाली आपकी गलत है CVS की सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन, इसका होगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। दर्पण मेन एम्स टू कंप्यूटराइजिंग, दर्पण का मुख्य उद्देश्य किसको कंप्यूटरीकरण करना था, डिविजनल ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी, ब्रांच पोस्ट ऑफिस को कंप्यूटराइज करना दर्पण का मेन मकसद था, मुख्य जो उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS का क्या मतलब है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ATM एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर उसके आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर नन ऑफ दी ऑफ, तो यहाँ पे देखिए आपकी ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में क्या है, सिर्फ आपके सर्विस और सिस्टम का फर्क है बाकी सेम है, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आप याद करिए आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी। फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर जो होता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या सर्विसेज इंटीग्रेटर इसको कहा जाता है, कौन से समाधान प्रदान करता है, किस चीज़ के लिए ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ऑप्शंस हैं कोर बैंकिंग, कोर इंश्योरेंस, बोथ एंड वी, नन ऑफ दी ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, बोथ एंड वी, तो इन सभी के लिए आपके कोर इन बैंकिंग के लिए भी और कोर इंश्योरेंस के लिए भी ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट, डाक विभाग का आपदा रिकवरी केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शंस बोली गए हैं न्यू दिल्ली या नवी मुंबई, चेन्नई या फिर मैसूर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी, मैसूर में ये स्थित है। द फुल फॉर्म ऑफ IPVS की फुल फॉर्म हमें बतानी है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, इंडिया पोस्ट वैल्यू सोर्स या फिर इंटरनल पोस्टल वैन सिस्टम, इंडिया पोस्ट विजन शेड्यूल, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। विच इज़ पार्ट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 IT आधुनिकरण परियोजना का हमें बताना है, कौन सा हिस्सा है 2012 का जो आपका, तो कब हुई आपकी IT मॉडर्नाइजेशन जो है इम्प्लीमेंट इसकी कब हुई थी, नवंबर 2012 में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, देखिए आपको IT मॉडर्नाइजेशन करना है तो यही क्वेश्चन पेपर्स में आपको मोस्टली क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, क्योंकि बाहर में अलग से आपको डिपार्टमेंट में कोई PDF नहीं मिलेगी, आपको यही करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आपका IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है ये कब इंप्लीमेंट हुआ, नवंबर 2012 में, कौन सा हिस्सा नहीं है वो हमें बताना है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या फिर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, तो कौन सा हिस्सा ये बताना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डी, ये सारे ही इसके हिस्से हैं, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर भी है, नेटवर्क इंटीग्रेटर भी है और आपका फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर भी है। हु इज़ वेंडर ऑफ डाटा सेंटर फैसिलिटी अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 IT आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत डाटा सेंटर सुविधा का विक्रेता कौन है, ऑप्शन है आपके पास इन्फोसिस, उसके बाद आपके पास TCS, रिलायंस या फिर सिफी टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा रिलायंस है, सिफी किसके लिए, नेटवर्क इंटीग्रेटर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है उसके हिसाब से सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। RSI स्टैंड्स फॉर, RSI की फुल फॉर्म हमें बतानी है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल सिस्टम इंफॉर्मेशन, रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर या फिर ऑल दी अबव आर करेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका से रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 प्रिपेयर्ड दी वर्क फोर्स टू मैनेज चेंजेस इन वर्किंग आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, IT आधुनिकरण परियोजना 2012 के किस खंड ने डाक विभाग में IT परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद काम में आने वाले बदलावों का प्रबंधन करने के लिए कार्यबल को तैयार किया। अब देखिए क्या हुआ IT मॉडर्नाइजेशन में जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो बहुत सारे काम चेंजेस हुआ, उसमें इंप्लीमेंटेशन हुई, नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक आई, तो सभी GDS सहित जितना भी स्टाफ था उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको इस चीज़ में सक्षम करने के लिए कौन सा स्ट्रीम था जो शुरू हुआ था, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, चेंज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, रूरल हार्वेस्ट, तो यहाँ पे देखिए चेंज के बारे में बात की गई है तो चेंज मैनेजमेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज का क्वेश्चन पेपर राजस्थान सर्कल का, जितने भी क्वेश्चन थे डिपार्टमेंट के हमने सारे कर लिए, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बताएं और बाकी भी कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें, अगर कोई गलती हो गई है हमसे तो हम उसको करेक्ट वहां पे करेंगे और आप उस गलती को ना दोहराएं, आप उस गलती को ठीक करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, आपने यहां से गलत पढ़ा आप एग्ज़ाम में भी गलत करेंगे, तो आप ज़रूर उस चीज़ के लिए देखेंगे। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की
की, यानी कि 40 क्वेश्चन पेपर्स की आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेगी विद सॉल्यूशंस, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।